अस्सलाम वालेकुम नाज़नी, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यूट्रिशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, आज की जो सी हमारी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो, वो है गर्मियों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बहुत सख्त गर्मी शुरू हो गई है और इसमें हमारा दिल कर रहा था कि हम ठंडी ठाक कोई रिफ़्रेशमेंट जो सी ड्रिंक पिए जो हमें रिफ़्रेश कर सके, हमें ठंडा कर सके, मतलब जो सी हमारी गर्मी है उसको हम लोग तोड़ चाहते हैं। तो आज बहुत ही मज़ेदार से जो सी ड्रिंक हम आपके साथ शेयर करें जो गर्मी के हवाले से बहुत मुफीद है और आप लोग उसको घर में बना सकते हैं रेदर देन कि आप उसको बाज़ार से जाकर लें और पिएँ, घर में बनाएं और इसको हेल्दी तरीके से बनाकर इंजॉय करें। तो वो है फालसे का शरबत। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा हम लोगों ने यहाँ पर फालसा रखा हुआ है और यहाँ पर चीनी है और हम इसको बनाएंगे, लेकिन मज़ेदार से जो सी फालसे का शरबत है कैसे तैयार होगा, इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है और आप लोग चाहते हैं कि मतलब इस तरह की जो सी ड्रिंक है वो घर में बनाएं, बाज़ार से जाके मतलब हम लोग खुद यूनिवर्सिटी टाइम पे मतलब गर्मियों में बहुत पसंद करते थे। मुझे आज तक अपनी यौन से यूनिवर्सिटी का है, पिछले साल की बात है, हम लोग जाते थे और ऑर्डर करते थे तो हमें बहुत मज़ेदार से ठंडा ठंडा जौन सा वो जूस मिलता था यूनिवर्सिटी में कैंटीन से, लेकिन अब उसी तरह का हमने जब घर में बनाया बल्कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा बना। मेरी मम्मा घर में बनाते थे लेकिन मुझे मतलब ज़्यादा तब अच्छा लगा जब मैंने कहा कि मम्मा आप मेरे लिए बनाएं, और मतलब पहले मुझे इतना पसंद नहीं था लेकिन फिर जब मैंने बनवाया मम्मा और पिया तो मुझे बहुत मज़ेदार सा ठंडा ठार सा जो सा फालसे का शरबत जो पसंद आया। तो अब बहुत बातें हो गई हैं, अब मम्मा से पूछते हैं कि ये जो सा गर्मी का तोड़ मज़ेदार से जो सा ड्रिंक आप बनाना सिखा रहे हैं फालसे का शरबत, वो कैसे तैयार होगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई, बिस्मिल्लाह। क्योंकि बच्चे तो चटोरे हैं ही ना, वो तो मम्मा का नाम ले लेके ना, बस ये कि हमारी फरमाइशें पूरी हो जाए। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में पिया था हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने, मतलब डेली बेसिस पे ये मैंने ना डाल दिए सारा फालसा, आधा किलो फालसा ये, ठीक है। ये ना मैंने ना एक कटोरी चीनी की, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अच्छा कॉफ़ी नहीं समझनी, कॉफ़ी नहीं समझनी, ये काला नमक है तो वो अपने हिसाब से, फिर मैं क्या कह रही हूँ बाद में डाल दूँ या अभी डाल दूँ देख लेगा, मैं तभी डालने से मतलब बाद में भी डाल के वो मतलब हाँ, चलो मैं अभी थोड़ा सा डाल देती हूँ, बाद में काम ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे बहन भाइयों को पता चल जाए ना कि काला नमक भी डालना है इसमें। तो आप घर में व्यूवर्स आसानी आप बना सकते हैं, बाहर से तो मिलती है हर चीज़ ही मिलती है लेकिन आप लोग घर में भी कोई प्रेफर करें काला नमक, ठीक है। जब आपके पास कुकिंग विद नाज़नी जैसा अच्छा चैनल मौजूद है तो आप लोगों को बाजार से कोई भी चीज़ खरीदने या बनाने या पीने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अब आप घर में बना सकते हैं हमारी वीडियोस देखकर। तो इसको ब्लेंड करेंगे? नहीं, ये खाली नहीं होगा बेटा, इसमें पानी डालना पड़ेगा ना। अच्छा जी, थोड़ा सा हम लोगों ने इसके साथ पानी शामिल करना क्योंकि आप लोगों को पता फालसा डाला है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको ब्लेंड करने के लिए पानी डालना जरूरी है। इसको करते हैं ग्राइंड और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमने इसको कर लिया है ब्लेंड और वाओ माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो सा हमारा फालसे का शरबत है, होममेड। अच्छा मम्मा, मैंने आपसे पूछा था इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, मतलब इस स्टेज पर बनाकर बोतल में डालकर? हाँ जी, फ्रीज कर सकते हैं क्योंकि सीजन का ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं पीना चाहते तो फिर ठीक है आप ऐसे डाल लें, काफ़ी थिक है, मतलब अगर थोड़ा सा पतला करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पतला भी कर सकते, मैंने दहा दिया ना। ये देखिए जी, मतलब इस अगर आपने प्रिजर्व करना है तो इस स्टेज पे आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जौन सी हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको फालसे का शरबत बनाना सिखाया है पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने फालसा भी रखा है और बहुत थिक सा स्मूथ सा जौन सा हमारा शरबत है फालसे का वो तैयार हो गया है, होममेड हम लोगों ने शरबत तैयार किया है और आप लोग चाहे तो इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देनी है तो आप लोग दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर हमें सजेशन दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।